Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक इंडियन फिजिक्स साइंटिस्ट के आविष्कार में ब्रेन ट्यूमर के इलाज का रहस्य छुपा है? इस ऐतिहासिक आविष्कार रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला। ऐसी ही दिलचस्प बातें जानने के लिए देखते रहिए एपिकपीडिया का ये वीडियो। चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन का जन्म तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में 7 नवंबर 1888 को हुआ था। संस्कृत और शिक्षा उन्हें विरासत में मिली। तमिल ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए रमन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट थे। केवल 15 वर्ष की छोटी उम्र में ही उन्होंने फिजिक्स में गोल्ड मेडल के साथ ग्रेजुएशन कर लिया। उस समय ब्रिटिश इंडिया में रिसर्च की कमी के कारण रमन विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से वो ना हो पाया। 1907 में इंडियन फाइनेंशियल सर्विस की परीक्षा लिखकर 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने कलकत्ता में एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की सर्विस ज्वाइन की। पर रमन हमेशा अपने आप को फिजिक्स के साथ जोड़े रखते थे। उन्होंने कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जो कि लंदन के रॉयल इंस्टीट्यूशन पर आधारित था, उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड वाइब्रेशंस पर शोध करना शुरू किया। अपने रिसर्च और थ्योरीज के कारण सिर्फ इंडिया में ही नहीं, यूरोप में भी उन्होंने एक साइंटिस्ट के रूप में अपनी पहचान बना ली। सीवी रमन की प्रतिभा को देखकर 1917 में उन्हें कलकत्ता के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर अपॉइंट किया गया और उन्हें 1921 में लंदन में आयोजित विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला। रमन की ये पहली विदेश यात्रा उनके जीवन को नया मोड़ देने वाली थी। उन्होंने जहाज पर सफर करते हुए मेडिटेरेनियन सी के नीले पानी को देखा। वे फिजिसिस्ट लॉर्ड रेली के एक्सप्लेनेशन की सागर का पानी सिर्फ आकाश के नीले रंग को रिफ्लेक्ट करने के कारण नीला दिखता है से वाकिफ थे, पर वो इस एक्सप्लेनेशन से सहमत नहीं थे और विदेश से लौटते वक्त जहाज पर ही अपने पोलराइजिंग निकोल क्वार्ट्ज प्रिज्म से लाइट के स्कैटरिंग इफेक्ट पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। बाद में अपने एक्सपेरिमेंट से रमन ने यह कंक्लूड किया कि ये नीला रंग तो पानी के मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी के कारण होता है। उन्होंने एक नामी ब्रिटिश साइंस जर्नल नेचर में द कलर ऑफ द सी शीर्षक से एक नोट पब्लिश किया। रमन के इस ब्रेक थ्रू नोट से उन्हें साइंस जगत में बहुत बड़ी प्रसिद्धि हासिल हुई। उन्होंने लाइट पर अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा और 7 साल बाद 28 फरवरी 1928 को एक रेडिएशन इफेक्ट, जो आज रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, उसकी खोज की। इस महान खोज के उपलक्ष्य में भारत सरकार ये दिन नेशनल साइंस डे के रूप में मनाती है। तो क्या है रमन इफेक्ट? जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी प्रिज्म से गुजरता है तब वो स्कैटर हो जाता है, लेकिन लगभग 1 करोड़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में से एक रेडिएशन ऐसा पाया गया जिसका वेवलेंथ मीडियम के मॉलिक्यूल से टकराने के बाद चेंज हो जाता है। उस चेंज रेडिएशन को रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस लो फ्रीक्वेंसी को रमन ने अपने शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स में बारीकी से ऑब्जर्व किया और बाद में क्वार्ट्ज स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से रिकॉर्ड किया। इसी रमन इफेक्ट की मदद से आकाश का नीला रंग, सनसेट और सनराइज के समय आसमान का लाल रंग होना जैसे नेचुरल फिनोमेना को आसानी से समझा जा सकता है। सीवी रमन को 1929 में अंग्रेजी सरकार ने उनके रमन इफेक्ट की खोज की उपलब्धि के कारण सर की उपाधि से सम्मानित किया और वे सर सीवी रमन कहलाए जाने लगे। रमन का ये खोज क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कितना महत्व रखता है, इसका अंदाजा जाने माने अमेरिकन फिजिसिस्ट आरडब्ल्यू वुड के स्टेटमेंट से लगाया जा सकता है। उनका कहना है, रमन्स लॉन्ग एंड पेशेंट स्टडी ऑफ द फिनोमेनन ऑफ लाइट स्कैटरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट कन्विंसिंग प्रूफ्स ऑफ द क्वांटम थ्योरी। सन 1930 में इसी खोज के लिए सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। रमन फिजिक्स में नोबेल प्राइज पाने वाले पहले एशियन वैज्ञानिक थे। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी कि उन्हें केवल 2 वर्ष के अंदर नोबेल पुरस्कार के लिए योग्य माना गया। रमन इफेक्ट इतना पाथ ब्रेकिंग था कि उसी समय उसका उपयोग थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में होने लगा। इसी डिस्कवरी के बाद ये पता चल गया कि रमन इफेक्ट का यूज फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी हो सकता है।
आज रमन इफेक्ट के कारण ही ब्रेन कैंसर सेल को आइडेंटिफाई कर उसका इलाज करना या बॉम्ब और इलीगल सब्सटेंस को डिटेक्ट करना पॉसिबल हो पाया है। रमन इफेक्ट ने दुनिया भर में हुए कई आविष्कारों की नींव रखी। सर सीवी रमन के अमूल्य योगदान के कारण केवल भारत ही नहीं पूरा विश्व उनका आभारी है।